गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रैक्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो इस प्रैक्टिकल को लिखने के लिए हम सबसे पहले एम लिखते हैं कि इस एम हमारा आज एम क्या है, तो या इस प्रैक्टिकल का एम क्या है। तो एम में क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे, By the elimination of arbitrary function। इससे पहले जो प्रैक्टिकल हमने किया था उसमें भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन थी, पर उसमें arbitrary constant का elimination था कि arbitrary constant के elimination के द्वारा हमें उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एलिमिनेट करना था। लेकिन आज हमें arbitrary function के elimination के द्वारा जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे, इसको फॉर्म करने का जो प्रिंसिपल है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे, लेट यू वी बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, कि यू और वी एक्स वाई जेड के दो फंक्शन है, ठीक है, जो इस रिलेशन से आपस में कनेक्टेड है, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो। अब हम इक्वेशन वन को एक्स और वाई से पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई से पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन तो देखिए कैसे होगा, डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू पी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू पी इक्वल टू जीरो। और वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू क्यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू क्यू इक्वल टू जीरो। अब डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल एफ अपॉन डेल वी को इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी हमको, जिसको सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू पी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू क्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू पी। जिसको और सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू पी प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स। और इस पूरी टर्म को हम कैपिटल पी मान लेते हैं और इस पूरी टर्म को हम कैपिटल यू मान लेते हैं और इसको आर। तो इस इक्वेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो इस तरह से लिखी जा सकती है, पी स्मॉल पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, जहां पे पी आपका डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड। इसी तरह से क्यू इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल जेड, और उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स। और आर इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। और जो इक्वेशन फोर्थ है वही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रिंसिपल या सिद्धांत को हमेशा लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके उसको नहीं लिखना है, जितना हो सके उसकी जो
कैलकुलेशन है, क्योंकि इन इक्वेशंस में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो वो कैलकुलेशन आप रफ में करके और उसका जो फाइनल कैलकुलेशन है वही आप प्रिंसिपल में लिखें, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एप्लीकेशन का, तो मतलब आपने जो प्रिंसिपल लिखा है उसको कैसे आप यूज में करेंगे, है ना। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो पहला एग्जांपल है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एलिमिनेटिंग द फंक्शन फ्रॉम जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। यानी इस इक्वेशन से फंक्शन, कौन सा फंक्शन है आपके पास, एफ, एफ को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाइए। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले काम यही है हमारा कि जो दी हुई इक्वेशन है उसको पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो कि पी के बराबर है, हम उसको पी के इक्वल कर देते हैं, इज इक्वल टू, इसका तो जीरो हो जाएगा और इसका हम करेंगे टू एफ डैश वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई, और वन अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ डैश वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई, और इसको इक्वेशन सेकंड हम लिख देते हैं। फिर इक्वेशन जो हमारी दी हुई है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्यू, और टू वाई प्लस टू एफ डैश वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई, और लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसमें इस तरह से आ जाएगा, ये क्यू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ डैश वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। अब आप इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखिए, तो 2f डैश 1 अपॉन एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, और 2f डैश 1 अपॉन एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू क्यू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। या इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की राइट हैंड साइड बराबर है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो माइनस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। देखिए इसमें कोई फंक्शन नहीं है, तो यही हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग फंक्शंस एफ एंड एफ फ्रॉम जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्टा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस अल्टा वाई। यानी जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें दो फंक्शन है एफ और एफ, इनको एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस आइटा वाई प्लस एफ डैश एक्स माइनस आइटा वाई, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आइटा एफ डैश एक्स माइनस आल्टा वाई माइनस आल्टा एफ डैश एक्स माइनस आल्टा वाई। अब हम इक्वेशन इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाली को इसको दोबारा हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आल्टा वाई प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस आल्टा वाई, और जो डेल जेड अपॉन डेल वाई वाली इक्वेशन है उसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू वाई द्वारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस आइटा वाई माइनस एफ डबल डैश एक्स माइनस आइटा वाई। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एफ डबल डैश एक्स प्लस आइटा वाई प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस आल्टा वाई, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस, यहाँ से कॉमन ले लें तो एफ डबल डैश एक्स प्लस आल्टा वाई प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस आल्टा वाई। यानी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर के।
ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यह यहां देखिए, अब कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन के अंदर नहीं है, ना तो स्मॉल एफ वाला फंक्शन है और ना ही कैपिटल एफ वाला फंक्शन है। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है, फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई फाई ऑफ एक्स माइनस वाई। यानी ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें जो आर्बिट्रेरी फंक्शन कौन सा है, फाई है, इसको हमें एलिमिनेट करके पीडीई बनानी है। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल को यूज करते हुए दी गई इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई एक्स वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस वाई ई एक्स वाई फाई एक्स माइनस वाई। सिमिलरली हम इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एक्स ई एक्स वाई फाई ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई एक्स वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से को यूज करते हुए आप देखिए आपको क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस पी, यानी आपका फंक्शन फाई खत्म हो गया, यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड, जो कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से हम इक्वेशन प्रैक्टिकल फर्स्ट, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल तो ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया बाय एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट और दूसरा हो गया बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमने इनको नाम दे दिए प्रैक्टिकल 1A एंड प्रैक्टिकल 1B। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो आप जब इसे लिखेंगे तो इससे सारी रिलेटेड सारी थ्योरी आप इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि वाइवा के क्वेश्चन भी आपके साथ के साथ तैयार हो जाएं। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल वाला जो है वो यही फिनिश होता है। ओके, थैंक्स।